नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 जुलाई दिन गुरुवार। आगे राजनीति जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एनडीए में चिराग के जाने से फायदा होगा या नुकसान, सर्वे में हुआ खुलासा। नीतीश कुमार को विपक्षी दलों का संयोजक नहीं बनाए जाने के सवाल पर जदयू ने कही ये बात। विपक्षी गठबंधन INDIA का मामला अब पहुंचा थाने। उपेंद्र कुशवाहा ने जेपी नड्डा से हुई मुलाकात को बताया महज शिष्टाचार की मुलाकात। इशारों में नीतीश ने जीता नाम मांझी पर साधा निशाना। अब चले बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। जीता नाम मांझी ने सीएम नीतीश पर लगाई यहाड़ो। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के संरक्षक जीता नाम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि उनकी समझदारी एकदम खत्म हो गई है। दरअसल यह बातें उन्होंने तब कही जब मीडिया द्वारा पूछा गया कि नीतीश कुमार हमेशा आपको लेकर बोलते हैं कि आपने उनको धोखा दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम साथ होते और उनके विपक्षी दलों की मीटिंग में चले गए होते तो हमको इधर उधर की बात करनी होती और ज्यादा इधर उधर की बात करते, तो इसलिए इधर उधर करता है का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने हमेशा हमें अपनी मजबूरी में इस्तेमाल किया। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश ने उन्हें कच्चा चारा समझकर सीएम बनाया था। उन्होंने सोचा था कि वो जैसा कहेंगे वैसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो हमसे इस्तीफा ले लिया। एनडीए में चिराग के जाने से फायदा होगा या नुकसान, सर्वे में हुआ खुलासा। एनडीए की बैठक से पहले पीएम मोदी ने घटक दलों के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान चिराग पासवान ने पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिए, तो वहीं पीएम मोदी ने चिराग को गले से लगा लिया। अब राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब चर्चा देखी जा रही। चिराग और नरेंद्र मोदी की मुलाकात का यह अंदाज लोगों के बीच काफी सुर्खियां भी बटोर रहा है। इसी को लेकर ABP ने एक सर्वे किया है, जहां इस बात का अंदाजा लगाया गया है कि चिराग के एनडीए में आने से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान। जब सर्वे का रिजल्ट सामने आया तो यह पता चला कि बीजेपी को फायदा हो रहा। बता दें कि ABP द्वारा सर्वे में यह सवाल किया गया है कि एनडीए में चिराग के आने से बिहार की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही लोगों से पूछा गया कि चिराग पासवान के एनडीए में आने से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान। इस पर 50% लोगों ने माना कि बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, वहीं 37% लोगों ने माना कि इससे बीजेपी का फायदा नहीं होगा और 13% लोगों को इस पर कोई स्पष्ट राय नहीं थी। नीतीश कुमार को विपक्षी दलों का संयोजक नहीं बनाए जाने के सवाल पर जदयू ने कही ये बात। लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बनता जा रहा है कि जिस नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की पहल शुरू की, उसी को विपक्षी गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया गया। इसी को लेकर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाए जाने वाले सवाल पर कहा कि बीजेपी के पास कोई एजेंडा बचा है क्या, किसी तरह लोगों को भड़काने का कार्य करती है। पहले बीजेपी ने लोग कहते थे कि विपक्षियों में एकजुटता नहीं होगी, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार में 23 जून को 17 विपक्षी पार्टियों के साथ बैठक की। इसके बाद बेंगलुरु में 26 दलों की एकजुटता हुई। 2024 का साफ एजेंडा है बीजेपी हटाओ देश बचाओ। सुशील मोदी ने कहा, नीतीश अपनी असहमति छिपाने के लिए कर रहे इधर उधर की बातें। नीतीश कुमार विपक्षी बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही पटना के लिए रवाना हो गए थे, जिसे लेकर अटकलों की कई बयानबाजी देखी गई। अब तो नीतीश कुमार ने भी इसे लेकर कह दिया है कि नाराजगी जैसी कोई बात नहीं, लेकिन अब सुशील कुमार मोदी ने इसे लेकर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि बेंगलुरु बैठक में विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार को इंडिया नाम से बने नए मंच का संयोजक बनाने की चर्चा तक नहीं हुई और इतना अपमान हुआ कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहना भारी लगा। जो व्यक्ति दिन में 3 बार मीडिया से बात करता हो, उसने बेंगलुरु में और फिर पटना लौटने पर प्रेस से परहेज क्यों किया। यह सब नाराजगी प्रकट कर सौदेबाजी करने का नीतीश कुमार का पुराना अंदाज है। आगे उन्होंने नीतीश को लेकर कहा कि अब यदि मुंबई बैठक में संयोजक बनाया भी जाए तो नीतीश कुमार को यह पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। संयोजक न बनाए जाने की नाराजगी और मंच का अंग्रेजी नाम रखने से अपनी असहमति को छिपाने के लिए नीतीश कुमार इधर उधर की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद कर लिए हैं। मणिपुर सरकार पर कुमार विश्वास ने साधा निशाना। मणिपुर राज्य अभी बुरी तरह से हिंसा के गिरफ्त में फंसा हुआ है। बता दें कि 3 महीने पहले ही महिलाओं को निवस्त्र कर उनकी परेड कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो के सामने आने के बाद मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे की मांग की जा रही। अब इसी को लेकर कवि कुमार विश्वास की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, मणिपुर सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर कहा है कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाधार तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। वहीं आगे उन्होंने कहा कि बोर्ड क्रांतिकारी जनता और छूट भैया पत्रकारों से भी अनुरोध है कि जरा सी भी शर्मोहया बची हो तो वीडियो को शेयर करना बंद करें। विपक्षी गठबंधन इंडिया का मामला अब पहुंचा थाने। विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, जिसकी चर्चा अब हर तरफ देखी जा रही, लेकिन अब यह नाम कानून के नजर में आ गया है। दरअसल दिल्ली के बाड़ा खंबा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हुआ है, क्योंकि यह नाम इंडिया एम्बलम्स एक्ट का उल्लंघन करता है। बता दें कि यह एक ऐसा एक्ट है जिसके तहत कोई भी अपने निजी फायदे के लिए इस तरह के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। शिकायत में इस बात की चर्चा भी की गई है कि गठबंधन का नाम इंडिया रखने से लोगों की भावनाएं आहत हुई है। वह इस पुलिस स्टेशन में 26 विपक्षी दलों के
खिलाफ भारत के नाम के अनुचित उपयोग और चुनावों में अनुचित प्रभाव और छवि के लिए उक्त नाम के उपयोग के लिए एक पुलिस शिकायत दर्ज की गई। शिकायतकर्ता का नाम डॉक्टर अवनीश मिश्रा है, जिन्होंने इन पक्षों के खिलाफ जरूरी कार्यवाही करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि इंडिया प्रतीक अधिनियम का उल्लंघन है। विजय सिन्हा ने बिहार के कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। हाल में ही एक मामला सामने आया है, जहां हाजीपुर में एक मंदिर के पुरोहित की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। यह मामला सियासी बयानबाजी का रुख लेती जा रही। इसे लेकर पीड़ित परिवार से मिलने हाजीपुर पहुंचे बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि संत और पुजारियों की हत्या किसी भी समाज का पतन का कारण बनता है। बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का यह धरती है, जहां पर कई दलित लड़की के साथ दुष्कर्म और अब मठ मंदिर के पुजारियों की हत्या की घटना हो रही है। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा ने जेपी नड्डा से हुई मुलाकात को बताया महज शिष्टाचार की मुलाकात। बीते दिनों रालोचित प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई एनडीए की बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर करीब डेढ़ घंटे तक बातचीत की। इस मुलाकात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि यह मुलाकात आगामी लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर थी। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा द्वारा इस मुलाकात को एक शिष्टाचार मुलाकात बताया है। वहीं रालोचित के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद की तरफ से बताया गया कि इसके पूर्व स्वतंत्र दल के रूप में रालोचित प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भाजपा नेताओं से मिल रहे हैं। एनडीए में शामिल होने के बाद पहली शिष्टाचार मुलाकात थी। इस दौरान गठबंधन को मजबूत करने, घटक दलों व कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय आदि पर चर्चा हुई। नीतीश मंत्रिमंडल के ये मंत्री इंडिया और एनडीए में हुए कंफ्यूज। नीतीश के मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री सुरेंद्र यादव विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया और सत्ताधारी एनडीए के नाम में ही कंफ्यूज होते दिखे। इसलिए मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे बयान दे दिए, जिससे उनकी चर्चा हर तरफ देखी जा रही। दरअसल जब मीडिया द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि वक्त आने दीजिए, एनडीए जो पार्टी है वो अपनी ताकत दिखा देगी। वहीं मंत्री के इस जवाब को लेकर जब मीडिया ने पूछा कि क्या आप एनडीए को भी पहलवान मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसमें कहां दो राय है कि पहलवान नहीं है, 100% सरकार इसी की बनेगी। इतना कहते हुए उन्होंने महसूस किया कि वे गलत बोल रहे हैं, तो मंत्री सुरेंद्र यादव ने अपनी बातों को सुधारते हुए कहा कि वे एनडीए नहीं बल्कि इंडिया की बात कर रहे हैं। इस मामले में राजद नेता आजाद गांधी को अदालत ने सुनाई सजा। आरजेडी नेता और पूर्व एमएलसी आजाद गांधी को लेकर एक आपराधिक मामले में पटना के एमपी एमएलए अदालत के विशेष जज संगम से धाराओं में 5.5 साल की जेल की सजा सुनाई। मिली जानकारी के अनुसार अलग अलग धाराओं में अदालत ने सजा अलग अलग व्यक्तित्व करने का निर्देश दिया है। बता दें कि मामला गांधी मैदान थाना कांड संख्या 361/2007 से जुड़ा हुआ था। दरअसल राजद नेता पर आरोप था कि साल 2007 में उन्होंने अपने 40-50 समर्थकों के साथ वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए चुनाव कार्यालय में हंगामा किया था, साथ ही पदाधिकारियों के साथ मारपीट भी की थी। इस मामले को लेकर कुल 7 लोगों ने अभियोजन पक्ष की तरफ से गवाही दी थी। इशारों में नीतीश ने जीता राम मांझी पर साधा निशाना। एनडीए के साथ साथ जीतन राम मांझी पर नीतीश कुमार ने तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि यह लोग कह रहे हैं कि एनडीए में 38 दलों की बैठक हुई है, तो उन्हें पार्टी का नाम भी तो बताना चाहिए कि कौन कौन पार्टी है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि उनमें सभी फालतू लोग जिसको वो गिनती कर रहे हैं, वह किसी का नाम लिए बगैर ही उन्होंने कहा कि जिसे हमने निकाल दिया वे लोग एनडीए की बैठक में शामिल हुए हैं। नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनका इशारा शायद जीतन राम मांझी की तरफ था। उन्होंने कहा कि हम तो उसे लाना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन आ गया तो हमने कहा कि ज्वाइन करो, नहीं तो बाहर जाओ। अगर रहता तो फिर कहता कि 23 तारीख की बैठक में हम भी जाएंगे और फिर हम लोग जो बात करते उन बातों को वह बीजेपी को बताता। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बिहार पुलिस पर लगाया आरोप। भाजपा के लोकसभा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का एक वीडियो सामने आया है, जहां वे प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के दौरान वे अनुरोध करते दिख रहे थे कि वे सांसद हैं, उन पर लाठीचार्ज न करें। अब इस मामले के बाद घायल हुए सिग्रीवाल ने बिहार पुलिस के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने की बात कही है। संसद भवन के परिसर में बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार पुलिस ने उनके खिलाफ गुंडों जैसा व्यवहार किया है। आगे उन्होंने कहा कि वे अपना परिचय देते हुए पुलिस को यह बता रहे थे कि वे सांसद हैं, लेकिन परिचय देने के बावजूद भी गुंडों की तरह व्यवहार करते हुए उन पर लाठियां बरसाई गई। विपक्षी बैठक से नाराज नीतीश की चल रही अटकलों के बीच सीएम नीतीश ने तोड़ी चुप्पी। सियासी गलियारों में विपक्षी एकता की दूसरी बैठक के बाद से ही अटकलों का बाजार शुरू हो गया था कि बैठक से नीतीश कुमार नाराज होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही पटना के लिए रवाना हो गए हैं। हालांकि इन अटकलों को लेकर जदयू ने सफाई दी थी, लेकिन अब खुद नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। विपक्षी बैठक से नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों के बीच अब सीएम नीतीश द्वारा कहा गया कि मेरी इच्छा राजगीर की थी, हमारे मन में हो रहा था कि राजगीर जाने में देर हो रही है, इसलिए हम बेंगलुरु से आ गए और कोई बात नहीं है। बता दें कि नीतीश कुमार ने राजगीर में आयोजित मलमास मेले के उद्घाटन के दौरान ये बातें कही हैं। मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर जदयू राजद ने पीएम मोदी पर साधा निशाना।
मणिपुर हिंसा के दौरान दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का वायरल हो रहा वीडियो हर किसी को झकझोर कर रख देने वाला है। इसे लेकर अब बिहार की सियासत में भी बयानबाजी तेज हो गई है, जहां इस हिंसा का लेकर बिहार की सत्ता में मौजूद राजनीतिक दल केंद्र में मौजूद मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बता दें कि इसे लेकर लालू यादव ने कहा है कि मणिपुर में लोकतंत्र, लोकलाज, विश्वास, संस्कृति, सौहार्द, संवाद पर मानवता का सरेआम कत्ल हो रहा है। वहीं जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि मणिपुर में 56x56 इंच सीने वाली डबल इंजन की सरकार की छत्रछाया में राज्य के बहुसंख्यक शोषित, वंचित और गरीब को पैरों तले रौंदा जा रहा है। महिलाओं पर अत्याचार की सारी हदें लांग दी गई हैं, फिर भी देश के 56 इंच के सीने वाले तथाकथित शेर चुप बैठे हैं, आखिर क्यों? आगे उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। पता नहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मानवता के प्रति संवेदना है भी या नहीं। प्रशांत किशोर ने जदयू राजद पर लगाए आरोप। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जदयू राजद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी बिहार के नेता जैसे ही आरजेडी, जदयू या किसी लोकल पार्टी के नेताओं से हिम्मत जुटाकर सवाल पूछा जाना चाहिए कि पार्टी कैसे चलती है। तेजस्वी यादव अपना बर्थडे प्राइवेट प्लेन में मनाते हैं, उसका पैसा कहां से आता है? नीतीश कुमार, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव जनता का जवाब दे कि तुम्हारे दल को चलाने के लिए पैसा आता कहां से है? आपका तो बिहार से बाहर कहीं कोई ठिकाना नहीं है। इन दोनों दलों के पास आधा आधा बिहार है, इसी कड़ी बिहार को लूट कर ये अपनी पार्टी चला रहे हैं। फिलहाल आज के राजनीति जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकिशोर महतो, बाबूलाल मरांडी, जितेंद्र ठाकुर, नौशद अंसारी, मोहम्मद सकीर हुसैन, अनवर करीम खान, रविशंकर, मृत्युंजय कुमार। चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार एनडीए में चिराग के शामिल होने से बीजेपी को कितना फायदा होगा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।